एक भयानक सड़क हादसा वापरिया। कहा जा रहा है कि 10 दिन पहला व्याहे नौजवान की सड़क हादसे दे विच मौत हो गई है। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जदों ओह अपनी पत्नी नूं लैण सहुरे घर जा रहा सी तां रस्ते दे विच ही उसकी कार अचानक बेकाबू हो जाती है। बेकाबू होकर कार एक दरखत के नाल जा टकराउंदी है, तो जिस दे विच उसकी मौत हो गई है। तो बेहद दर्दनाक खबर कहा जा सकता है, मंदभागी खबर ये सामने आई है, जिथे कि एक नौजवान की मौत हुई है जिसका कि हाले 10 दिन पहला ही विआह होया सी। ते अपनी पत्नी नू लैण दे लई ओ जदों सहुरे घर जा रहा सी तां रस्ते दे विच ही उसकी कार बेकाबू हो गई। तो बेकाबू होने तो बाद उसकी कार एक दरखत के नाल जा टकराई, जिस तों बाद उसकी मौत हो गई। तो मामला मोरिंडा तो सामने आया, जिथे कि श्री चमकौर साहब रोड से पेंदे पिंड सराणा विखे एक नौजवान की कार हादसे च मौत हो गई है। जानकारी अनुसार नौजवान की हाले 10 दिन पहला ही विआह होया सी अते ओह अपनी पत्नी नूं लैण दे लई अपने सहुरे घर रुड़की हीरां लई जा रहा सी। प्राप्त जानकारी अनुसार हादसा होने उपरंत लोगों वल्लों उस नूं हादसा ग्रस्त कार चों बाहर कढ़िया गया अते एक हस्पताल दे विच लिजाया गया, जिथे उस नूं रैफर कर दिता, परंतु रस्ते दे विच जांदे ही उसने दम तोड़ दिता है। तो बेहद मंदभागी खबर सामने आई है, चावां दे नाल अपनी पत्नी नूं लैण दे लई कार दे विच जा रहा सी ते अचानक ही कार बेकाबू हो गई। 10 दिन पहला ही इस नौजवान का विआह होया सी ते पत्नी अपने घर गई हुई सी ते जिसनू यह लेण दे लई कार दे विच जा रहा सी ते कार अचानक बेकाबू हो गई। हालांकि हादसे दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं ने, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि कार बुरे तरीके दे नाल नुकसानी गई है, एयरबैग तक खुल गए ने, पर इस हादसे दे विच एक नौजवान की मौत हो गई है। हालांकि इस खबर तो बाद परिवारिक मैंबरां का भी रो रो के बुरा हाल है। ਉਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲਿਆ ਇਹਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਣੀ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਰਾਣਕੋ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਟੱਪਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰਾਂਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਮੋਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਦੀ।